Hello students, now we are starting our new topic, that is Internet Network Layer Protocols. Yes, so Internet Network Layer Protocols. So here in a network layer, there is one another protocol, that is ICMP protocol, that is Internet Control Message Protocol. Okay, so here what are the duties of Internet Control Message Protocol? So it allows gateways and host to send network control information to each other. मतलब जो gateways है उसको allow करता है, उसकी information है वो network में transmit करता है. दो type के ICMP messages होते हैं, या ICMP protocol एक ही है ICMP, but two types of messages are transmitted. One is informational message और दूसरा है error indication message. इन्फॉर्मेशन मैसेज मतलब क्या कि जब भी सर्वर है, जब भी सेंडर है, वो कुछ डेटा है वो या कोई क्वेरी है वो दूसरे होस्ट को सेंड करता है और वो आंसर के एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको रिप्लाई करे, दैट इज़ इन्फॉर्मेशनल इन्फॉर्मेशन मैसेज. दूसरा है एरर इंडिकेशन मैसेज, मतलब क्या कि अगर जब भी डेटाग्राम हम सेंड करते हैं, ठीक है, और अगर कोई एरर जनरेट हुई है तो यहाँ पे ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू वो होस्ट को इन्फॉर्म करता है कि ये डेटा है, इस डेटा को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज एरर इंडिकेशन मैसेज. तो यहाँ पे ICMP के मैसेज टाइप बहुत सारे हैं, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एरर है वो जनरेट हो सकती है. प्रोटोकॉल एक है ICMP मैसेज प्रोटोकॉल. ठीक है, इस प्रोटोकॉल का यूज़ क्या है, ये प्रोटोकॉल कहाँ पे है, नेटवर्क लेयर में है. ठीक है, तो अगर कोई भी टाइप की प्रॉब्लम जनरेट होती है नेटवर्क लेयर में तो किस किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है. तो फर्स्ट वन इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल. ठीक है, मतलब पैकेट कुड नॉट बी डिलीवर्ड, मतलब जो सेंडर ने पैकेट जो सेंड किया था वो डेस्टिनेशन को नहीं मिल रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, वहाँ पे नहीं सेंड हो सकता है. टाइम एक्सीडेड. ठीक है, सो टाइम टू लीव फील्ड हिट जीरो, मतलब विद इन अ टाइम पीरियड दैट पैकेट हैज़ टू बी सेंड टू द डेस्टिनेशन, बट इफ टाइम इज मोर स्पेंड फॉर सेंडिंग दैट डेटाग्राम और पैकेट, so at that time time exceeded message is generated from ICMP protocol. third है parameter problem. ठीक है, अगर header field में कुछ parameter का problem है या header field में कोई problem है तो parameter problem की mess error है वो generate होगी. next है source quench, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम जनरेट होती है. सेंडर है, डेटा सेंड करता है, बट अगर ट्रैफिक की वजह से, कंजेशन प्रॉब्लम की वजह से डेटा है वो सक्सेसफुली सेंड नहीं हो पाता है. ठीक है, तो दैट इज चक पैकेट, पैकेट चक हो जाता है. नेक्स्ट है रीडायरेक्ट मैसेज. तो ये मैसेज कब जनरेट होता है ICMP थ्रू, कि जब टीच राउटर अबाउट जियोग्राफी. ठीक है, तो यहाँ पे जियोग्राफी के थ्रू मतलब राइटर को कहाँ से कहाँ डेटा हमें सेंड करना है, कहाँ से रीडायरेक्ट होके कहाँ पे डेटा एक राउटर में से दूसरे राउटर में जाएगा, तब रीडायरेक्ट मैसेज है वो जनरेट होगा. नेक्स्ट है इको रिक्वेस्ट एंड रिको रिप्लाई. तो आस्क मशीन इफ इट इज अलाइव. ठीक है, सिंपल हम इको मैसेज सेंड करते हैं, सेंडर सेंड करता है इको मैसेज, ज़ीरो उसमें वैल्यू रखता है ज़ीरो. ठीक है, तो मतलब वही सेम, सपोज फॉर एग्जांपल हेलो मैसेज सेंड कर दे, वही रिप्लाई रिसीवर सेंडर को रिप्लाई करता है हेलो, सो दैट इज इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई. नेक्स्ट है टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, मतलब सेम एज इको रिक्वेस्ट बट विथ टाइम स्टैम्प वैल्यू, मतलब यहाँ पे टाइम कंसिडर्ड किया जाता है. ठीक है, सेम टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड टाइम स्टैम्प रिप्लाई. तो ये सारे मैसेज टाइप है, ये ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू ये मैसेज टाइप, जब जब कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होता है तब ये मैसेज है वो जनरेट होगा. ठीक
नेक्स्ट है एआरपी, दूसरा प्रोटोकॉल है एआरपी। सो उसका फुल फॉर्म है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो मैप आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, ठीक है, या आप ऐसा बोल सके लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस को अगर मैप करना है तो आप एआरपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है RARP, मतलब रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मतलब मैक टू आईपी अगर कन्वर्ट करना है तो RARP प्रोटोकॉल का यूज़ होगा, ठीक है। डिस्क की अगर बूटिंग करनी है तब उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। सो राउटिंग फॉर इंटर AS मतलब ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। तो यूजिंग लिंक स्टेट राउटिंग, तो इसमें लिंक स्टेट राउटिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेसिफिक रूट क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं और फिर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल आईपी। ठीक है, मोबाइल आईपी का मतलब क्या है कि आप कोई भी, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाईफाई चालू है और वाईफाई का अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप उस राउटर के थ्रू आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन, मतलब विद इन दैट एरिया आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाया है, ठीक है, तो जहाँ पे भी आप जाओगे, कोई भी लोकेशन पे आप जाओगे, तो उस लोकेशन का नियर बाय राउटर का आईपी एड्रेस है वो आप यूज़ करोगे और आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ मोबाइल आईपी। सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर स्मिथ ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे हेलो, यहाँ पे ये कन्वर्जेशन हो रहा है, ये इनके साथ कहना है स्पीक टू मिस्टर स्मिथ, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि कैन यू कनेक्ट टू मिस्टर स्मिथ, ठीक है, ये इसको बोल रहा है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी, सो हियर वी नीड एजेंट एट होम ऑफिस, दैट इज़ होम एजेंट, एंड एजेंट एट फॉरेन ऑफिस, दैट इज़ फॉरेन एजेंट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाया है कि कैसे मोबाइल आईपी टर्मिनोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है। तो सिंपल एग्जांपल के कि इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये है इसका जो कॉल है वो यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, इसका यहाँ पे होगा और फिर इसके साथ इसका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई जो एजेंट एट होम ऑफिस, दैट इज़ होम एजेंट, एजेंट एट फॉरेन ऑफिस, दैट इज़ फॉरेन एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी है, ठीक है, ये होम नेटवर्क है, ठीक है, ये न्यू नेटवर्क है, ये करस्पॉन्डिंग नोड है, ठीक है, दिस इज़ होम एजेंट, दिस इज़ फॉरेन एजेंट, ये मोबाइल नोड है, ये भी दूसरा मोबाइल नोड है, ठीक है, मोबाइल के थ्रू ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग नोड की अगर इसको इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ठीक है, उसके बाद मतलब ये है वो इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। ये मोबाइल नोड है, ठीक है, मोबाइल नोड को शॉर्ट फॉर्म में MN लिखा है। दिस इज होम एजेंट, फॉरेन एजेंट, केयर ऑफ एड्रेस उसका शॉर्ट फॉर्म है COA, करस्पॉन्डिंग नोड दैट इज CN, होम एड्रेस है, सो मोबाइल परमानेंट आईपी एड्रेस, ठीक है, मोबाइल का जो परमानेंट आईपी एड्रेस होगा दैट इज होम एड्रेस। तो यहाँ पे सबकी टर्म यहाँ पे दी है, ठीक है, ईजी है। डायरेक्टली हम कंसेप्ट पे जाएंगे, ये मोबाइल होस्ट होम है, ठीक है, ये फॉरेन होस्ट है, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट करेगा इंटरनेट के थ्रू, ये इसके साथ कनेक्ट करेगा इंटरनेट और फिर वो ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है।
Mobile IP has two addresses for mobile host, one home address and one care of address. ठीक है, जो होम एड्रेस है आईपी एड्रेस वो परमानेंट रहेगा, केयर ऑफ एड्रेस है वो चेंज होते रहेंगे एज मोबाइल होस्ट मूव्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो जो आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है तो वो कौन सा है, केयर ऑफ एड्रेस है, और होम एड्रेस जो है वो जो आईपी एड्रेस है वो परमानेंट रहता है. ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई की यहाँ पे फिगर दी है कि कैसे वो करेगा. ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है. ठीक है, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे होम एजेंट पे जाती है, ये रिप्लाई करता है और ये इसको रिप्लाई करता है. डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेप्स लिखे कि रिमोट होस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे डेटा यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ से डेटा यहाँ पे फॉरेन एजेंट के थ्रू यहाँ पे जाएगा और फिर डेटा है, मतलब ये दोनों होस्ट है वो कम्युनिकेट कर पाएंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट है कंजेशन. तो कंजेशन में यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ अल्गोरिदम्स आर यूज्ड इन कंजेशन. कंजेशन मतलब ट्रैफिक, जो नेटवर्क में जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंजेशन. ठीक है, तो वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट अल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे थोड़े टर्म्स दिए कि जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, पॉलिसी देखेंगे हम उसके, फिर कंजेशन कंट्रोल इन वर्चुअल सर्किट सबनेट देखेंगे. ठीक है, कंजेशन कंट्रोल इन डेटाग्राम सबनेट, लोड शेडिंग, जिटर कंट्रोल. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो कंजेशन सेट इन एंड परफॉर्मेंस डिग्रेड शार्पली. मतलब ये पैकेट्स डिलीवर्ड हो रहा है, ये पैकेट्स सेंड हो रहे हैं. ठीक है, तो डिलीवर्ड हो रहा है तो यहाँ पे ये परफेक्ट है कि भाई सेंड होते हैं जितने सेंड किए उतने डिलीवर्ड हो गए, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, अगर थोड़े हुए या थोड़े नहीं हुए, मतलब इतना डिजायरेबल हम लग सकते हैं, उससे ज़्यादा जाए तो प्रॉब्लम नहीं. बट अगर हमने जितने भी नंबर ऑफ पैकेट सेंड किए हैं पर उतने नहीं हो रहे हैं रिसीवर को डिलीवर्ड, मतलब हमारे नेटवर्क में कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट हुआ है, नेटवर्क में ट्रैफिक का प्रॉब्लम जनरेट हुआ है. ट्रैफिक का प्रॉब्लम कब जनरेट होता है कि सेंडर है वो पैकेट सेंड कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे बैंडविड्थ है वो स्लो है, मतलब जो नेटवर्क की स्पीड अगर स्लो हो जाती है तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंडर की स्पीड है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा है और वो डेटाग्राम सेंड कर रहा है तब भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो जनरेट हो सकता है. ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे उसके रीज़न है कि कंजेशन और वो क्यों अकड़ होता है, तो कई बार इनसफिशियंट मेमोरी होती है. ठीक है, जो राउटर है उसकी मेमोरी है वो इनसफिशियंट होती है. ठीक है, तो तब भी कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट होता है. प्रोसेसर की स्पीड स्लो हो जाए तब भी कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट होता है. लो बैंडविड्थ लाइन है जो मैंने आपको बोला वो ऐसा हो, मतलब जो डेटा की स्पीड अगर कम हो जाती है जब सेंड करते हैं तब भी कंजेशन का प्रॉब्लम है वो जनरेट हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंजेशन कंट्रोल. ठीक है, तो क्या करना है, तो मॉनिटर द सिस्टम, डिटेक्ट व्हेन एंड वेयर कंजेशन अगर, हमें डिटेक्ट करना है कि कब और कहाँ पे कंजेशन का प्रॉब्लम है वो जनरेट हुआ है. पास द इंफॉर्मेशन टू वेयर एक्शन कैन बी टेकन. ठीक है, हमें पता चलता है कि राउटर टू में कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन हम फटाफट सेंड करेंगे और उसकी अप्रोप्रिएट एक्शंस है वो ले सकते हैं. एडजस्ट सिस्टम ऑपरेशन टू करेक्ट प्रॉब्लम. ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि बी में अगर कंजेशन का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो जो बाकी के जो पैकेट्स अराइव होने वाले हैं वो दूसरा जो राउटर है वहाँ पे हम डाइवर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब कंजेशन को कैसे मॉनिटर करेंगे, सो हाउ टू मॉनिटर अ सबनेट फॉर कंजेशन. सो परसेंटेज ऑफ ऑल पैकेट्स डिस्कार्डेड फॉर लीक ऑफ बफर स्पेस.
जो पैकेट सेंडर ने राउटर को सेंड किए हैं पर उसके पास बफर स्पेस ही नहीं है, मतलब उसकी मेमोरी इतनी नहीं है कि वो सारे पैकेट्स को होल्ड कर सके, तो ऐसे पैकेट्स जो क्यू में आके रहते हैं, तो वो सारे पैकेट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, सेकंड है एवरेज क्यू लेंथ, जो एवरेज क्यू लेंथ होनी चाहिए, नंबर ऑफ पैकेट्स दैट टाइम आउट एंड आर रीट्रांसमिटेड, जो पैकेट्स हैं इसके उसका टाइम आउट हो गया है तो उस पैकेट को फिर से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, और वो कौन करेगा, वो सेंडर करेगा। एवरेज पैकेट डिले, ठीक है, ये जो कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट होता है तो जो पैकेज डिले है उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसकी मदद से हम कंजेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पैकेट डिले, ठीक है, मतलब जिटर कंट्रोल के थ्रू, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी सारी मेथड्स हैं, जैसे कि बीट और फील्ड कैन बी रिजर्व इन एवरी पैकेट, हर एक पैकेट में बीट है या कोई फील्ड है वो रिजर्व रखते हैं। ठीक है, तो जब भी कंजेशन का प्रॉब्लम है वो जनरेट होता है तो राउटर है वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है, इस कंजेस्टेड स्टेट को, और फिर वो क्या करेगा, वो जो उस जो आउटगोइंग पैकेट है उसमें वो डेटा फिल करेगा, और वो अपने नेबर को वॉर्न करेगा कि कंजेशन का प्रॉब्लम है वो जनरेट हो गया है। ठीक है, सेकंड है होस्ट और राउटर्स पीरियोडिकली सेंड प्रोब पैकेट्स आउट टू एक्सप्लिसिटली, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कंजेशन का प्रॉब्लम जो जनरेट होता है तो वो हम पूछते हैं कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रूट ट्राफिक अराउंड प्रॉब्लम एरियाज, मतलब यहाँ पे ट्राफिक है उसका रूट भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं, दूसरे नेबर को इन्फॉर्म कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो उसके अल्गोरिदम है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। सो ओपन लूप में दो पॉइंट्स हैं, एक्ट एज अ सोर्स, एक्ट एज अ डेस्टिनेशन। क्लोज लूप में दो पॉइंट्स हैं, कौन से हैं, एक्सप्लिसिट फीडबैक एंड इम्प्लिसिट फीडबैक। ठीक है, तो क्या है एक्सप्लिसिट फीडबैक में, पैकेट्स आर सेंट बैक फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंजेक्शन टू वॉन्ट सोर्स, मतलब जहाँ पे सपोज राउटर बी में कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट हुआ है तो राउटर बी है वो डायरेक्टली सोर्स को इन्फॉर्म करेगा कि और वो पैकेट्स को सेंड करेगा या डिस्कार्ड करेगा, इन शॉर्ट वो इन्फॉर्म करेगा सोर्स को कि कंजेशन का प्रॉब्लम है वो जनरेट हुआ है। सेकंड है इम्प्लिसिट फीडबैक, सो सोर्स डिड्यूस द एग्जिस्टेंस ऑफ कंजेक्शन बाय मेकिंग लोकल ऑब्जर्वेशन सच दैट टाइम नीडेड फॉर एक्नॉलेजमेंट टू कम बैक। ठीक है, इम्प्लिसिट फीडबैक मतलब क्या कि जब भी डेटा सेंड होता है रिसीवर में, रिसीवर इन्फॉर्म करता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंड करता है, ठीक है, तब सोर्स को पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि सेंडर की स्पीड रिसीवर की स्पीड से ज़्यादा है, रिसीवर की स्पीड कम है फॉर रिसीविंग दोज पैकेट्स और सेंडर की स्पीड ज़्यादा है फॉर सेंडिंग पैकेट्स, तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंड करेगा, सो दैट इज इम्प्लिसिट फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पे कंजेशन प्रिवेंशन पॉलिसीज है, मतलब कैसे हम कंजेशन का प्रॉब्लम है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो हर एक लेयर में यहाँ पे कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क लेयर में ही होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर में भी कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर में कंजेशन का प्रॉब्लम जनरेट होता है, ठीक है, तब यहाँ पे रीट्रांसमिशन पॉलिसी, मतलब फिर से डेटा को रीट्रांसमिशन करो, आउट ऑफ ऑर्डर कैशिंग पॉलिसी, अक्नॉलेजमेंट फ्लो कंट्रोल पॉलिसी, टाइम आउट डिटर्मिनेशन, तो ये पॉलिसी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क में, तो वर्चुअल सर्किट वर्सेस डेटाग्राम इनसाइड सबनेट, सबनेट मतलब जो पाथ हम फिक्स करते हैं या फिर हम
विदाउट डिसाइडिंग एनी पाथ वी आर सेंडिंग डेटाग्राम्स, तो वो पॉलिसी हमें डिसाइड करनी रहती है। पैकेट क्यूइंग एंड सर्विस पॉलिसी, पैकेट वो क्यू में जाने चाहिए, ठीक है। पैकेट डिस्कार्ड पॉलिसी, अगर कंजेशन का प्रॉब्लम है तो उस पैकेट को डिस्कार्ड करो, राउटिंग एल्गोरिथम का यूज़ करो। पैकेट लाइफ टाइम मैनेजमेंट, मतलब कितने टाइम तक वो पैकेट है वो नेटवर्क में लाइव रहता है, तो उसका मैनेजमेंट, ये सारी पॉलिसी नेटवर्क लेयर में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर में कैसे करेंगे, तो उसके लिए रीट्रांसमिशन पॉलिसी, मतलब जब डेटा है, ठीक है, पैकेट में से डेटा फ्रेम में जब कन्वर्ट होता है तो वो पैकेट कन्वर्ट हो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, या तो फिर हम उस पैकेट को फिर से रीट्रांसमिट करते हैं। अक्नॉलेजमेंट पॉलिसी भी है, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।